सबको कथा सुनाई। और जा बिटिया से जा मत कहियो जब बिटिया थी पराई। करके तुम सबकी बिटिया को मन हरसाओ। ढोलक रहे बजाए भ्रात अंकित भैया है प्यारो। ढोलक रहो बजाए अंकित भैया है प्यारो। रहनो जागो जलेसर में भैया के प्राण प्यारो। इस समय ढोलक बजा रहे हैं अंकित यादव भैया जलेसर से हैं। इस समय घड़ा बजा रहे हैं ये कैमरा मैन है हमारे श्रीमान जीतू यादव भैया। ये माधुरी से हैं और बगल में बैठे हैं जो हमसे पहले कथा कहते थे अनिल शास्त्री जी अलीगंज से हैं। इस समय चिमटा बजा रहे हैं वीरपाल यादव भैया जलेसर से हैं। इस समय कैमरा चला रहा है ये मेरा अपना भाई आप सभी जानते हैं राहुल यादव। ये कैमरा चल रहा है ये मेरा अपना कैमरा है। आप सभी को ये वीडियो हमारे नाम से चैनल चल रहा है यूट्यूब पर। राहुल की बेटी के नाम से भी चैनल चल रहा है यूट्यूब पर। सर्च करें आरोही वीडियो चैनल। इस चैनल पर आप सभी को कथा यहाँ की कल से हमारी कथा ग्राम एहरई अपने डिस्ट्रिक्ट एटा ग्राम एहरई जतरा के पास में कल हमारी कथा प्रारंभ होगी। और बहन अनीता जी ये फिरोजाबाद से हैं ये संगीत सीख रही है बहन अनीता। और दूसरा चैनल यूट्यूब पर हमारे नाम से है आकृति शास्त्री चैनल। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा सब्सक्राइब करिएगा अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फेसबुक पर हमारे नाम से पेज बना है देवी आकृति जी उस पेज को भी आप लोग फॉलो करिएगा। और आगामी कथाएं हमारी लाइव टेलीकास्ट होती रहती हैं आप सभी घर बैठकर कथा जरूर सुनिएगा अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और मुझे आपकी सेवा में लगने का अवसर प्राप्त हुआ समस्त ग्रामवासियों के द्वारा। और बहुत बहुत स्नेह प्यार मिला है अपने सभी गांव का सोन हरचंदपुर नगला ढक भम्मा नगला मानिकपुर सब समस्त ग्रामवासियों ने आकर के क्षेत्रवासियों ने आकर के इस बेटी को नालायक से लायक बनाया नालायक से लायक बनाया। इसके लिए मैं सदा सदा आपकी आभारी रहूंगी जब तक जीवित रहूंगी। मैं आप सभी के लिए आभार व्यक्त करती रहूंगी आपकी आभारी रहूंगी। एक बार के लिए समस्त ग्रामवासियों के क्षेत्रवासियों ने जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मुझे इतना विश्वास नहीं था कि अपनी गांव में हमें इतना प्यार मिलेगा। और हमारे मिलने वाले भी काफी दूर दूर से लोग आए अलीगढ़ से हैं आसपुर से अलीगढ़ से मेहनपुरी से आगरा से टूडला से हैं काफी सुकावा से काफी दूर दूर से भाई लोग हमारे यहाँ आए। तो बात कथा की नहीं है ये बात तो प्रेम की है प्यारे। और बहुत बहुत प्यार स्नेह मिला परमात्मा ने सब कुछ दिया है आपके आशीर्वाद से। और मैं आप सभी की सेवा कर रही हूँ। सबसे बड़ी देन है मेरे माता और पिता की। मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है बहुत मेहनत की है प्यारे मुझे इस हासिल बनाने के लिए। राजकुमार पिताजी मेरे
छोटी बहना मीरन दो ही मेरे भैया और बड़ा सुंदर साउंड बजाया अखिलेश भैया, अर्जुन भैया और अमित भैया, तीनों भाइयों ने बहुत अच्छा सहयोग किया मेरा साउंड पर, बहुत बहुत आभार भैया। बताओ बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद रहा है जो मैंने आप सभी की सेवा की है और बड़े बुजुर्गों का कभी फिर आशीर्वाद हुआ तो उन्हें फिर कभी आपकी सेवा करेंगे, नहीं तो गद्दी के लिए हमेशा के लिए राम राम राधे राधे आप सभी मेरे स्वीकार कर लेना और सब कुछ है आपके आशीर्वाद से अब मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को वध नसीब कहती हूँ। सब कुछ मेरे पास में है फिर भी मैं किस्मत की हूँ खोटी, सब कुछ मेरे पास में है फिर भी किस्मत की हूँ खोटी, मेरे गुरु पंगा जी मेरे साथ छोड़ के उनकी याद में रहती हूँ रोटी, सुंदर आश्रम बनायो बा बुलाई मेरे प्रभु जी ने मोई संगीत सिखायो,
गंगा गुरु जी की से हमारी व्यास कीट की विदाई कर रहे हैं श्रीमान हमारे पंजाबी भैया जी 501 पैसे विदाई कर रहे हैं पंजाबी भैया 501 पैसे व्यास कीट की हमारी विदाई कर रहे हैं श्रीमान नाजर भैया जी बहुत बहुत आभार से व्यास पीठ की विदाई करके गई है हमारी दादी जो हमारे श्रीमान रिंकू चाचा जी की माता जी श्रीमान रिंकू बघेल चाचा जी की माता जी की ओर से दादी माँ की ओर से 51 पैसे व्यास पीठ की विदाई भेंट हुई है बहुत बहुत आभार अब निवेदन करूंगी 7 रोजों में जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना और अन्य जल वदा होगा कभी भगवान की कृपा होगी किसी मोड़ पर फिर आपकी सेवा करेंगे नहीं अंतिम राम राम राधे राधे स्वीकार करना और अब यथा स्थान पर सभी खड़े होने आरती की पोजीशन में